देखिए डॉक्टर की सलाह पर, डॉक्टर तो सलाह दिया कि 3 हफ्ता बेड रेस्ट कीजिए, लेकिन 3 हफ्ते में तो चुनाव ही खत्म हो जाएगा और जब तक भाजपा को खदेड़ेंगे नहीं हम तो चैन से बैठेंगे नहीं। चोट लगा है तो इस चोट का दर्द जो है, यहाँ नौजवान जो है जो बेरोजगार है, उस बेरोजगारी के दर्द से ज्यादा हमारा दर्द नहीं है। जो गरीब है उनके गरीबी से ज्यादा दर्द हमको नहीं है। जो महंगाई है चरम सीमा पर और जो दर्द झेल रहे हैं लोग महंगाई का, उससे ज्यादा दर्द हमको नहीं है। यानी जब तक तेजस्वी नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं दिलाता तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं। हम नौकरी रोजगार कैसे मिलेंगे रे भाई, जब तक भाजपा को नहीं भगाइएगा, तारा शाह जब तक खत्म नहीं करोगे तब तक ना नौकरी मिलेगी, ना महंगाई कम होगी, ना गरीबी खत्म होगी। मोदी जी के राज में अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता जा रहा है। और हम कोई मोदी जी की बात करने नहीं आए, मुद्दे की बात करने आए। हमारा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, ये असल मुद्दा है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए, ये असल मुद्दा है। लेकिन 14 में मोदी जी ने क्या कहा भाइयों बहनों? मित्रों, 10 साल पहले क्या कहा था कि मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा, मोदी आएगा तो 15-15 लाख रुपए खाते में जमा करेगा, मोदी आएगा तो 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देगा। अरे भैया 14 भूल गए, फिर मोदी जी 19 में आए 5 साल बाद, 19 में क्या बोले भाइयों बहनों? मोदी आएगा तो किसानों का आय दुगुना कर देगा, मोदी आएगा तो सबको पक्का मकान दे देगा, मोदी आएगा तो महंगाई खत्म कर देगा, गरीबी खत्म कर देगा और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देगा, बिहार में बंद चीनी मिलों को चालू करा देगा। बोले थे कि नहीं बोले थे मोदी जी, बताइए? तो एक वादा पूरा हुआ मोदी जी का? अरे मोदी जी से तो बड़का झूठा प्रधानमंत्री दुनिया में नहीं मिलेगा। अब इतना झूठ बोले मोदी जी की मत गिराई, हमारा तो टेप रिकॉर्डर पड़ा हुआ है अभी हेलीकॉप्टर में, कहिएगा नहीं इधर है कर ले है, तो टेंशन देंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे। बिहार को कुछ नहीं मिला, काहे नहीं मिला रे भाई? अब सुनिए मोदी जी, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। इनका अहंकार इतना है महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। ये गरीबी का हाल कर दिया है। वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना उसको जरा नमस्कार करके जाए। उस समय 400 था, अब 1400 लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। आज वादा करता हूं दिल्ली सरकार
1,25,00,000 रुपए का पैकेज देगी। स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, जो भी करने की आवश्यकता होगी दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी प्राथमिकता होगी। यहाँ पर एक शुगर की चीनी की मिल थी, ताले क्यों लग गए भाई? गन्ना करने की खेती करने वाले किसान का क्या हुआ? हिन्दुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए मिल जाएंगे, एक एक पाए हिन्दुस्तान की वापस लाई जाएगी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 10 साल ले लिए। 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अरे हम तो फकीर आदमी है, चल पड़ेंगे जी। अब आप बताओ, महंगाई कम हुई बढ़ी ना, बेरोजगारी बढ़ी कि कम हुई? बढ़ी ना। गरीबी बढ़ी कि कम हुई? कोनो चीनी मिल खुला बिहार में? अभी भी ताला लगा हुआ है। बिहार को स्पेशल पैकेज मिला, स्पेशल स्टेटस मिला, स्पेशल अटेंशन मिला, सौतेला व्यवहार किया गया कि नहीं किया गया? अब बिहार की जनता 40 में से 39 सांसद भेज दी, सोचा कि मोदी जी कुछ करेंगे। क्या किए मोदी जी बताओ? बछवाड़ा की जनता, बछवाड़ा के लिए मोदी जी ने क्या किया है? एक काम बता दो जो बछवाड़ा के लिए मोदी जी ने किया। कोई काम नहीं। अब 24 आ गया तो 24 में मोदी जी के पास कुछ झूठ बोलने के लिए नहीं बचा तो क्या बोलते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सनातन, इस्लाम, मंदिर, मस्जिद। अरे मित्रों, विपक्ष वाला तो तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेगा, भैंस छीन लेगा। अरे प्रधानमंत्री जी, कुछ तो स्तर रखो, मुद्दे की बात करो, न ज्ञान की बात करते हैं, केवल बेकार की बात करते हैं, केवल जहर बोना। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, मंदिर मस्जिद करेंगे, पाकिस्तान का चिंता करेंगे। अरे मोदी जी, पाकिस्तान से हमको क्या लेना देना? हमको अपने गरीब किसान से लेना देना है, गरीब जनता से लेना देना है, उनकी तरक्की, उनके विकास, हमारे गांव के लिए क्या किया ये बताइए मोदी जी। तो नहीं देखो भाई, चार चीज असंभव है इस दुनिया में, चार चीज असंभव है। सूर्य भगवान का पश्चिम से उगना, रेगिस्तान में मछली मारना, आसमान में पेड़ उगाना और मोदी जी और भाजपा के मुंह से मुद्दे की बात सुनना, काम की बात सुनना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं
ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।